गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एंड टुडे आई एम ऑन 24th मई विद 24th सेशन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल रीडिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले जो हमारे सामने देख रहे होंगे आप, ये कोट दैट मोटिवेट्स यू। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं और समझते हैं कि ये कोटेशन जो है हमसे क्या कहता है। ये कोटेशन कहता है कि स्टार्ट वेयर यू आर, Use what you have, do what you can। तो बच्चों आप आराम से समझ रहे होंगे कि ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि start where you are, यानी जहाँ पर भी हैं, किसी भी हालत में, जिस भी हालत में आप हैं, उसी हालत में आप शुरू करें, यानी अपने कार्य का क्या करें, आरंभ करें। कभी भी ये ना सोचें कि आप कहाँ पर हैं। आप Use what you have। बहुत बार होता है कि हम संसाधनों का रोना रोने लगते हैं, हम जैसे लोग भी संसाधनों को रोना रोते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये होता तभी हम ये कर पाते, वो होता तभी हम कुछ कर पाते। तो ये कोटेशन आपसे कह रहा है कि यूज व्हाट यू हैव, यानी जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन आपके पास हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। इस चीज़ की परवाह न करें कि हाँ क्या चीज़ नहीं है आपके पास, बल्कि इस चीज़ के बारे में सोचें, ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि क्या है और कैसे हम उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपसे कह रहे हैं कि डू व्हाट यू कैन। बहुत बार हमको लगता है कि नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से एक लेसन नहीं सीखते हैं, सबक नहीं सीखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े बड़े कार्य कर जाती हैं। कैसे कर जाती हैं? क्योंकि जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करें, ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम ये एटीट्यूड रखें कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कोटेशन तीन चीजें आपसे बताएगा कि स्टार्ट वेयर यू आर, कि जिस जहां पर भी, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था से ही आप अपने कार्य का आरंभ करने की कोशिश करें। यूज व्हाट यू हैव, और जो भी संसाधन आपके पास हैं, उन संसाधनों का प्रॉपर इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंड डू वाट यू कैन, और कभी इससे न घबराएं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, हमेशा ये सोचें कि हाँ आप ये कर सकते हैं। बच्चों तो चलिए हम भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के इस एडिटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि ये आप कल भी आपने किया था, आपको जो कल मैंने एडिटोरियल पढ़ाया होगा वो सारे वर्ड्स आज आपको मैंने सरनिम्स छांटने के रूप में आपको ये सामने दे दिए। और ये सेक्शन बहुत बढ़िया है, अगर आप इसका बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और कलम उठाइए या जो भी हो, अब टिक करते जाइए, लिखते जाइए कि हाँ अंडर पिन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्केलेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्पेटस का सिनोनिम क्या हो जाएगा और स्टैंड ऑफ का क्या हो जाएगा। जल्दी से लिख लें बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कल ही के सारे वर्ड्स हैं जो आपने पढ़े हैं, उन्हीं में से सारे मैंने दिए हैं आपको। अंडरपिन का लिख लें, स्केलेट का लिख लें, इम्पेटस का लिख लें और स्टैंड ऑफ का लिख लें। लिख लिए होंगे अब आप। चलिए अगले वर्ड्स देख लें, उनमें आप क्या कर सकते हैं। ये है आपके पास ट्रिगर, है आपके पास कैचअप, है ऑब्स्ट्रक्ट है और अबाइड बाई है। ट्रिगर का लिख लिया आपने, कैचअप का लिख लीजिए, ऑब्स्ट्रक्ट का लिख लीजिए और अबाइड बाय का लिख लीजिए। सारे वही वर्ड्स है बच्चे जो कल मैंने पढ़ाए थे आपको, तो इसलिए घबराएं नहीं। और न याद हो तो अभी आप ध्यान रखें कि अभी मैं आपको आंसर्स बताऊंगा तो वहां खुद ही आपको तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, और चलिए ये लास्ट है आपका चार वर्ड्स, फोर वर्ड्स। टेरेन है ना ट्रेन, टेरेन है, यूनिलैटरल है, डिस्प्यूट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिनोनिम्स छांट लीजिए जल्दी से। और ये 12 वर्ड्स अर्थात इनके 12 सिनोनिम्स, 24 वर्ड्स और ये हर एक में चार चार ऑप्शंस, यानी 60 वर्ड्स आप चाहेंगे बच्चों तो अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप। हो गया टेरेन का, यूनिलैटरल का, डिस्प्यूट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का लिख लिया आपने। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट और इनके आंसर्स तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अंडरपिन का क्या आंसर लिखा था बच्चों आपने? अंडरपिन का सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट। अंडरपिन मींस होता है क्या होता है बच्चों? सहारा देना, सपोर्ट करना। स्केलेट का सिनोनिम आपने लिखा होगा, क्या लिखा होगा आपने? इंटेंसिफाई। स्केलेट मींस किसी चीज की तीव्रता को और बढ़ा देना। इम्पेटस का लिखा होगा आपने मोटिवेशन। इम्पेटस मींस होती प्रेरणा, मींस मोटिवेशन मींस भी प्रेरणा।
स्टैंड ऑफ आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कल से पढ़ रहे हैं आप। स्टैंड ऑफ मीन्स कोई गतिरोध, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इम्पास हो जाएगा, गतिरोध, स्टेलमेट। ठीक है, अगले वर्ष देखते हैं। ट्रिगर, किसी चीज को हम एक्टिवेट करते हैं, मीन्स शुरुआत करते हैं, तो एक्टिवेट ही हो जाएगा ट्रिगर का सरनेम। कैचअप का क्या हो जाएगा, क्या लिखा आपने, एन एक्ट ऑफ मैचिंग। जब हम लेवल पे आना चाहते हैं तो हम प्ले कैचअप करते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट का क्या लिखा होगा आपने, हिंडर लिखा होगा। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स अवरोध उत्पन्न करना हो जाएगा। और अबाइड बाई का आपने निश्चित लिखा होगा फॉलो, हालो हालो हैलो और इनफ्लो तो नहीं लिखा होगा। अबाइड बाई का आप लिखा होगा फॉलो, मीन्स किसी नियम, किसी कानून, किसी व्यवहार को फॉलो करना, उसका अनुसरण करना, मानना। टेरेन वो इलाका, वो क्षेत्र होता है, तो क्या हो जाएगा, टेरिटरी हो जाएगा, वो भूभाग, वो हिस्सा। यूनिलैटरल क्या होता है, एक तरफा होता है, तो क्या हो जाएगा यूनिलैटरल का, वन साइडेड, एक तरफा। डिस्प्यूट क्या होता है, एक विवाद होता है, तो क्लैश हो जाएगा, विवाद। और इंफ्रास्ट्रक्चर का वो आधारिक संरचना होती है, तो क्या हो जाएगा, फायरवर्क्स नहीं होगा, ये हो जाएगा फ्रेमवर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वर्ड्स जरूर, बाकी जो वर्ड्स हैं जो इसके ऑप्शंस के रूप में, वो सारे वर्ड्स भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये सेक्शन हमारा वोकैब का सेक्शन आ चुका है। पहला वर्ड आप देख रहे होंगे फुल ब्लोन है आपका। फुल ब्लोन मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत बड़ा हो चुका हो, विकराल हो चुका हो, या पूरी तरह से विकसित हो चुका हो, मतलब जो चीज फुली डेवलप्ड हो चुका हो, फुल स्केल पे आ चुका हो, वह फुल ब्लोन हो चुका है। मान लीजिए भारत और नेपाल के बीच में, या भारत और चीन के बीच में कोई मुद्दा है, कोई कलह, कोई झगड़ा है, और वो कलह, वो झगड़ा जो है वो फुल ब्लोन हो चुका है, मीन्स क्या हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। अभी जो महामारी आपकी चल रही पैंडेमिक, ये फुल ब्लोन हो चुकी है, मीन्स क्या हो चुकी है, पूर्ण विकसित हो चुकी है, अर्थात बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो फुल ब्लोन मीन्स विकराल, बहुत बड़ा, पूर्ण विकसित। फ्लैश पॉइंट क्या होता है बच्चों, कोई ऐसा प्लेस या कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा टाइम जहां पर हिंसा या फिर दुश्मनी जो है वो फ्लेयर अप करने लगती है, मीन्स बढ़ने लगती है। यानी जब भी कोई ऐसा स्थान हो, जब भी कोई ऐसी घटना हो, जब भी कोई ऐसा समय हो जहां पे हिंसा या दुश्मनी भड़कने लगे, तो वह स्थान, वो बिंदु क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। जैसे भारत और नेपाल की जो झगड़ा है, यह एक फ्लैश पॉइंट पर पहुंच चुका है, मीन्स हिंसा या दुश्मनी के बिंदु तक पहुंच चुका है। यानी एक ऐसी स्थिति आ चुकी है, एक ऐसा फ्लैश पॉइंट आ चुका है, जहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एस्केलेट करती जा रही है। तो फ्लैश पॉइंट क्या हो जाएगा, हिंसा या दुश्मनी का वो बिंदु, यानी कोई भी ऐसा स्थान या घटना या समय जो जहां पर हिंसा या दुश्मनी बढ़ती जा रही हो, वो फ्लैश पॉइंट है आपका। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका टेक बाय सरप्राइज। जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हो आप, और आप अपेक्षा न कर रहे हो, आराम से सो रहे हो, और तभी आपके पापा कमरे में आपके प्रवेश कर जा रहे हो, तो ही विल सर्टेनली बी टेकिंग यू बाय सरप्राइज। तो टेक बाय सरप्राइज मीन्स होता है शॉक कर देना बच्चों, या किसी को स्टार्टल कर देना, मीन्स चौंका देना, आश्चर्यचकित कर देना अपने अचानक अपीयरेंस या एक्शन के द्वारा। यानी अचानक आप किसी कोई ऐसी चीज देख लें, या फिर कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे आप शॉक्ड हो जाएं, स्टार्टल हो जाएं, तो यू आर टेकन बाय सरप्राइज, मीन्स आप क्या हो गए, अचंभे में पड़ गए आप, मीन्स किसी ने आपको आश्चर्य में डाल दिया। तो टेक बाय सरप्राइज क्या हो जाएगा, मीन्स आश्चर्य में डाल देना, अचंभे में डाल देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलाइनमेंट। अगर आप कोई गाड़ी वगैरह चलाते होंगे, तो अगर आप जब सर्विसिंग कराते होंगे, तो वहाँ पे एजेंसी पे ले जाते होंगे अगर आप, तो वहाँ पे वो कहते हैं सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ पे कहते हैं कि गाड़ी का अलाइनमेंट कर दें। अलाइनमेंट मीन्स सीधा, सीधाई को कहते हैं। तो कोई अलाइनमेंट की अगर बात कर रहा है, तो वह एक ऐसे लाइन या रिलेटिव पोजिशंस की बात कर रहा है जो बिल्कुल सीधी हैं। यानी कोई भी लाइन जो बिल्कुल सीधी है वो अलाइनमेंट में है, कोई भी ऐसा रिलेटिव पोजीशन जो बिल्कुल करेक्ट है वो अलाइनमेंट में है। मींस अलाइनमेंट का मतलब क्या हो जाएगा,
सिधाई या कोई मार्ग रेखा, यानी जो मार्ग रेखा सीधी चल रही हो वह अलाइनमेंट में चल रही है। कट डाउन तो आपने वैसे भी सुना होगा और देख के भी आप समझ सकते हैं बच्चों कि कट डाउन मतलब काट करके कम कर देना उसको। तो कट डाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्रॉडबैंड की सर्विस ले रखी हो और आपने उसका बिल न जमा किया हो तो आपकी सर्विस कट डाउन कर दी जाएगी, मीन्स काट दी जाएगी। कट डाउन और क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका शरीर जो है कहीं कहीं मोटापे का शिकार हो रहा हो और धीरे धीरे आपको लग रहा हो कि आपका जो भोजन है उसमें कटौती करनी चाहिए, तो आप अपने भोजन में कट डाउन करेंगे। खर्चे को कट डाउन किया जाता है, यानी उसमें कमी ले आई जाती, कम करना। जब भी किसी स्कोप में, किसी अमाउंट में या किसी लेंथ में कोई कमी की जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं। तो कट डाउन क्या हो जाएगा, कमी करना, कम करना। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन। बच्चों इस वर्ड को अगर आप ध्यान से समझना चाहेंगे तो आप ये वर्ड देख लें, कंटेंड। कंटेंड मीन्स क्या होता है, कंटेंड मीन्स बहस करना, विवाद करना। उसी में आई ओ एन जोड़ करके और डी को टी में बदला गया, कंटेंशन एक नाउन हो गया आपका। तो कंटेंशन मीन्स कोई विवाद, कोई तकरार, कोई कलह या किसी से कोई शास्त्रार्थ, मीन्स विवाद के सेंस में। यानी जब कहीं पर हीटेड डिसएग्रीमेंट हो, बहुत अधिक मीन्स असहमति हो, तो वहां कंटेंशन होता है। यानी जब कोई कंट्रोवर्शियल तर्क देता है, विवादित तर्क करता है, तो वह क्या करता है, कंटेंशन करता है, वह विवाद करता है, तकरार करता है। जैसे भारत और नेपाल के बीच में इस समय कंटेंशन चल रहा है, मीन्स क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, मीन्स कलह चल रही है। नेक्स्ट वर्ड क्या बच्चों, एक idiom है, ड्रैग वंस फिट। वंस समझते हैं ना, जिस नाउन प्रोनाउन के लगाएंगे वो यहां आ जाएगा। तो ड्रैग वंस फिट मतलब जब अपने कदम पीछे खींच लें, नाम से स्पष्ट है, ड्रैग मीन्स घसीटना, खींचना। तो ड्रैग वंस फिट, जब आप अपने कदम आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींच लेते हैं तो यू आर ड्रैगिंग योर फीट। इसका मतलब क्या है कि जो कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ना था उसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आप ड्रैग योर फीट कर रहे हैं। तो ड्रैग वंस फीट मीन्स अनिच्छा दिखाना, मीन्स एक तरह से बी डेलिबरेटली स्लो आर रिलेक्टेंट टू एक्ट। यानी जब आप जानबूझकर स्लो धीमे पर जा रहे हो, आर रिलेक्टेंट टू एक्ट, या फिर कार्य करने के प्रति रिलेक्टेंट हो जा रहे हो, अनविलिंग हो जा रहे हो, अनिच्छुक हो जा रहे हो, तो यू आर ड्रैगिंग योर फीट। तो ड्रैग वंस फीट मतलब कदम पीछे खींच लेना, अर्थात उसमें आनाकानी करना, अर्थात अनिच्छा दिखाना। ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहेस्ट, बिहेस्ट क्या होता है, अगर आपके अंदर से कोई आवाज आती है ना तो वो आपकी बिहेस्ट होती है, या कोई बाहर से आपको आवाज दे रहा है और कह रहा है ये कार्य आप करो, तो वो क्या कर रहा है, आपको बिहेस्ट कर रहा है, यानी वो आपको ऑर्डर दे रहा है, आपको कमांड दे रहा है, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बिडिंग कर रहा है, आदेश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मीन्स दिशा निर्देश दे रहा है कि आप ऐसे ये कार्य करो। तो बिहेस्ट क्या हो जाएगा, बिहेस्ट मीन्स आदेश देना या अपनी आत्मा की आवाज पर किसी से कुछ कहना, वो बिहेस्ट करना होता है। कम टू अ बॉयल, बॉयल समझते होंगे बच्चे, जब कोई चीज उबलने लगे। तो अगर हम किसी मसले के सेंस में कहेंगे कम टू अ बॉयल, इसका मतलब वो मसला बहुत गर्म हो चुका है, अर्थात खतरनाक स्तर तक आ चुका है, स्थिति बहुत बेहद गंभीर हो चुकी, सीरियस हो चुकी है। तो कम टू अ बॉयल मतलब खतरनाक स्तर तक आ जाना, मीन्स स्टार्ट टू बिकम मोर सीरियस, यानी कोई चीज बहुत गंभीर हो जाना, आर डेंजरस, या बहुत खतरनाक हो जाना। जैसे आप कह सकते हैं भारत और नेपाल या भारत और चीन के बीच में जो स्थिति है, इट हैज कम टू अ बॉयल, मीन्स क्या आ चुकी है, वो खतरनाक स्तर तक आ चुकी है, मीन्स मामला बहुत गंभीर हो चुका है। तो कम टू अ बॉयल, कोई मामला बहुत गंभीर हो जाना, खतरनाक स्तर तक आ जाना। रिवर्फ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहां कोई व्यक्ति कोई चीज मांगने आया और आपने उसे सामान्य रूप से वो चीज देने के बजाय आपने कहा भागो यहां से जाओ, तो फिर वो आप उसने मतलब आपने उसको क्या कर दिया, रिबप कर दिया, मीन झिड़क दिया उसे, उसका तिरस्कार कर दिया, अपमानित कर दिया उसको। तो रिजेक्ट समवन आर समथिंग इन एन एब्रप्ट आर अनग्रेसियस मैनर, जब आप बड़े ही अपमानित तरीके से किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप उसे रिबप करते हैं। वर्ब है आपकी ये, रिबप मीन्स
झिड़क देना, झिड़की देना या किसी को अपमानित करना, उसका तिरस्कार करना। आप किसी को रिबफ न किया करिए, बल्कि एक नॉर्मल वे में किसी चीज का जवाब दिया करिए। तो रिबफ करना, झिड़क देना, तिरस्कार करना, अपमानित करना। और ये बच्चों आपके वर्ड्स हैं, तो इससे पहले वर्ड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रिबफ समझ गए होंगे, जब आप किसी को झिड़क दें, रिजेक्ट कर दें एब्रप्टली, कम टू अ बॉयल, जब कोई मामला बहुत सीरियस, बहुत डेंजरस लेवल तक आ जाए, तो इट हैज कम टू अ बॉयल। बी हेस्ट, जब आप किसी को ऑर्डर करें, किसी को इंस्ट्रक्ट करें, किसी से रिक्वेस्ट करें, तो आप उसे बी हेस्ट कर रहे हैं। ड्रैग वंस फीट, जब आप किसी कार्य में अपना मन न लगाएं, कदम पीछे खींच लें, उसमें अपनी अनिच्छा प्रदर्शित करें, तो यू आर ड्रैगिंग योर फीट। कंटेंशन, इफ यू आर शोविंग कंटेंशन, इट मीन्स यू आर शोविंग इलॉजिकल व्हाट लॉजिक, मीन्स कहीं कहीं ऐसे लॉजिक दे रहे हैं जो इलॉजिकल है, मीन्स बेतर्क है, अर्थात झूठे ही आप कलह कर रहे हैं, मीन्स विवाद कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू कंटेंशन, कलह, विवाद। कट डाउन आपको याद हो गया होगा, कट डाउन कटौती करना, हो सकता है कटौती किसी स्कोप में हो रही हो, हो सकता है कटौती किसी चीज की लंबाई में हो रही हो, हो सकता है कटौती किसी चीज के अमाउंट में हो रही हो, तो यह कट डाउन हो रही है। अलाइनमेंट मीन्स सीधाई, कोई मार्ग अगर सीधा जा रहा है तो वह अलाइनमेंट में जा रहा है। टेक बाय सरप्राइज, मतलब किसी को आश्चर्यचकित कर देना, यानी इस तरीके से प्रकट हो जाना जिसकी उसने अपेक्षा न की हो, तो आप उसे टेक बाय सरप्राइज कर देते हैं। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, यानी एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा टाइम जहां पे हिंसा भड़क जाए या फिर हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी हो जाए, तो वह एक फ्लैश पॉइंट होता है, यानी कहीं कहीं वो आपका एक विवाद का विषय होता है, मीन्स दुश्मनी भड़कने का विषय होता है वो। फुल ब्लोन, यानी कोई ऐसी चीज जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी हो, यानी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी हो, यानी बहुत बड़ी हो चुकी हो, अर्थात एक तरह से आप कह सकते हो कि पूर्ण मैच्योर हो चुकी हो, अर्थात अब उसमें कोई कमी न रह गई हो, यह फुल ब्लोन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। और ये हमारे सामने हमारा एडिटोरियल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे एडिटोरियल की हेडिंग है आपकी कोल्ड नेबरहुड ऑन इंडिया नेपाल टाइज। कोल्ड बच्चों नॉर्मली हम लोग एक ही सेंस में जानते हैं, और वो सेंस होता है कोल्ड का हमारा ठंडा, यही होता है ना ठंडा। लेकिन कोल्ड और होता है, बहुत कुछ आप जानते होंगे, जैसे आप जानते हैं कि पहले कोल्ड वार चलता था, शीत युद्ध चलता था अमेरिका और रूस के बीच में, बहुत बार रिश्तों में भी एक कोल्डनेस आ जाती है, मीन्स ठंडापन आ जाता है, अर्थात उनका जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है, जो वार्मथ होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहां जो कोल्ड का यूज किया गया बच्चों, उसी सेंस में यूज किया गया, कौन से सेंस में, इस सेंस में स्टॉलिड, या इस सेंस में डिसहार्टेनमेंट, मीन्स जब आप किसी के प्रति बहुत कठोर हो जाए, बहुत निष्ठुर हो जाए, मीन्स जो रिलेशंस में एक ह्यूमन इमोशन होता है, मानवीय भावना होती है, या फ्रेंडलीनेस होता है, मीन्स जो मित्रता की भावना होती है, या कंपैशन होता है, मीन्स जो दया होती है, जब वो समाप्त हो जाता है तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, वो रिलेशन कोल्ड हो जाता है। तो अगर कहा जा रहा है कोल्ड नेबरहुड, इसका मतलब कि एक ऐसा पड़ोस, यानी एक ऐसा पड़ोस जो कोल्ड हो चुका है, अर्थात जो स्टॉलिड हो चुका है, अर्थात जो डिसहार्टेनमेंट शो कर रहा है, अर्थात जो ऐसा व्यवहार कर रहा है जिस व्यवहार में कोई वट गर्मी नहीं है, जिस व्यवहार में कुछ ज्यादा ही गर्मी है बच्चों, जिस व्यवहार में इतना अधिक निष्ठुरता है, कड़ापन है, कि वो नेबरहुड कोल्ड हो गया, अर्थात कहीं कहीं वो कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। दिस इज कोल्ड नेबरहुड, अर्थात एक ऐसा पड़ोस जो उत्साह से भरा ना हो, बल्कि दुश्मनी प्रदर्शित कर रहा हो, कठोरता प्रदर्शित कर रहा हो। ऑन इंडिया नेपाल टाइज, पहले जब हम लोग टाई लगाते थे तो हम लोग समझते नहीं थे कि टाई को टाई क्यों कहते हैं, अभी तो बच्चे समझते हैं। टाई मीन्स होता है बांधना, टाई मीन्स क्या होता है बच्चों, बांधना। तो उसी टाई से नाउन बनाया गया, टाई मीन्स क्या हो गया आपका, बंधन, ये हो गया। तो बंधन मतलब क्या, नहीं कहते हैं तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, बंधन मींस रिश्ता, यानी एक ऐसा रिश्ता जो इंडिया और नेपाल के बीच में,
यानी इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो टाइज हैं, मीन जो संबंध हैं, जो उनके बीच बंधन है रिलेशंस का, उन पर ये आपका ऐसे लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपकी जो दूसरी हेडिंग है देख रहे होंगे, वो हेडिंग है इंडिया एंड नेपाल मस्ट नॉट लेट देयर डिफरेंसेस ग्रो इनटू अ फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस। इंडिया एंड नेपाल, ये दोनों समझ रहे होंगे कंपाउंड नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े गए, यानी इंडिया भी नाउन है और नेपाल भी नाउन है और इन्हें एक कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया गया। ये दोनों यहाँ सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। मस्ट आपने याद कर लिया होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के रूप में आपका है, नॉट एक एडवर्ब है। और अगर मस्ट और नॉट यहाँ पे है तो आप तुरंत समझ जाए बच्चों, लेट यहाँ क्या है, आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि मस्ट के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब फॉर्म आती है, तो लेट हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही, बल्कि लेट तो तीनों फॉर्म में एक ही होती ना, लेट 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 तीनों फॉर्म में एक ही होती है, इरेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। तो इंडिया एंड नेपाल हो गया, मस्ट हो गया, नॉट हो गया, लेट हो गया, देयर आप जानते हैं बच्चों ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कौन सा देयर, जो डिफरेंसेस नाउन के लिए आपने यूज किया है, तो अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो डिफरेंसेस क्या हो जाएगा आपका, आपका नाउन हो जाएगा। और ये जो ग्रो है ना, ये इसी लेट का पार्ट है, लेट ग्रो, बढ़ने देना, विकसित होने देना, आगे बढ़ने देना। तो लेट और ग्रो दोनों मिलकर के क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसलिए लेट और ग्रो के बीच में आपका ऑब्जेक्ट डाल दिया गया, क्या, देयर डिफरेंसेस। इनटू आप जानते हैं प्रीपोजिशन है, और एक आर्टिकल या डिटरमिनर है, और यहां फुल ब्लोन किस चीज का काम कर रहा है आपका, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, डिप्लोमेटिक भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और क्राइसिस जो यहां वो नाउन की तरह काम कर रहा है, जिस क्राइसिस का अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो आप आई को बस किस में बदल दीजिएगा, ई में बदल दीजिएगा। जिन शब्दों में भी आई एस लास्ट में होता है, अगर आपको उनका प्लूरल बनाना है तो लास्ट वाले आई को बस किस में बदल दें, ई में बदल दें, प्लूरल हो जाए। जैसे सिंथेसिस हो या पैरालिसिस हो या फिर क्राइसिस हो या थीसिस हो या बेसिस हो या सिनॉप्सिस हो या ओएसिस हो, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आई को बदलकर ई में बदल दीजिए यदि आपको प्लूरल बनाना है। चलिए अब इनकी हिंदी देख लेते हैं बच्चों, ये क्या कह रहे हैं हमसे। कह रहे हैं इंडिया एंड नेपाल मस्ट नॉट, यानी भारत और नेपाल को नहीं होने देना चाहिए, क्या, लेट देयर डिफरेंसेस ग्रो। डिफरेंसेस बच्चों आप समझते होंगे, डिफरेंसेस मतलब ये होता है मतभेद, ठीक है, याद रखिएगा मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो भारत और नेपाल को मस्ट नॉट लेट देयर डिफरेंसेस ग्रो, नहीं, भारत को अपने मतभेद, भारत और नेपाल को अपने मतभेदों क्या नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट लेट ग्रो, बढ़ने नहीं देना चाहिए, यानी मतभेदों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। इनटू अ, किस चीज में नहीं बढ़ने देना चाहिए, किस चीज में विकसित नहीं होने देना चाहिए, अ फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस, एक ऐसी डिप्लोमेटिक क्राइसिस में, यानी एक ऐसी कूटनीतिक क्राइसिस में, संकट में, जो कूटनीतिक संकट क्या हो चुका हो, फुल ब्लोन, विकराल रूप धारण कर चुका हो, बड़ा रूप धारण हो चुका हो, मीन्स विशाल बन चुका हो। यानी भारत और नेपाल को मस्ट नॉट लेट देयर डिफरेंसेस ग्रो, यानी अपने संबंधों को, अपने मतभेदों को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि मतभेद बढ़ करके फुल ब्लोन हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, कौन से संबंध हमारे, कौन से डिप्लोमेटिक क्राइसिस के रूप में, यानी हमारा जो कूटनीतिक क्राइसिस है, कूटनीतिक संकट है, वो इतना बड़ा न हो जाए, फुल ब्लोन हो जाए, मीन्स विकराल रूप धारण कर ले। इसलिए भारत और नेपाल को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि मतभेद क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, चलिए देखें, करें इंडिया एंड नेपाल हैव रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट ओवर द कालापानी टेरिटोरियल इशू दैट अपीयर्स टू थ्रेटन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप विच हैज नर्चर्ड ओपन बॉर्डर्स एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। अगर आप इस एडिटोरियल के टोन की बात करेंगे बच्चों, तो आप ये समझ सकते हैं इसका टोन जो है ये है, थॉट प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग है बच्चों, थॉट प्रोवोकिंग टोन क्या होती है, जब इसमें यह बताया जाता हो कि हमें विचार करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कुछ चीजों पर, कि आखिर परिस्थितियां जो आ रही हैं वो परिस्थितियां क्यों ऐसी हो रही हैं,
इन पर हमको गहन मंथन करने की जरूरत है, ब्रूड करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस एडिटोरियल का जो टोन है वो थॉट प्रोवोकिंग है, अर्थात इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें आएंगी कि आखिर वो भारत और नेपाल जो एक ऐसे रिश्ते के रूप में जिनका रिश्ता माना जाता है, जो एक रोटी बेटी का रिलेशन माना जाता है, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें हम एक देश से, नेपाल तो देश है ना, एक देश से दूसरे देश में जाते हो और हमें किसी वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, बिना रोक टोक हम इस देश से उस देश में और उस देश से इस देश में आते जाते हो। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक जो दोनों देश इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, आज वो दुश्मनी की हद पे आ गए हों कि वहां के प्रधानमंत्री को और वहां के विदेश मंत्री को ये कहना पड़ रहा हो कि अगर भारत ठीक से नहीं समझेगा तो हम और अधिक सेना बॉर्डर पे भेज देंगे। ये वो नेपाल कह रहा होगा जिस नेपाल से हमारे संबंध बहुत पुराने रहे हैं। अब यहां दो चीजें समझने की जरूरत है बच्चों, सोचने की जरूरत है। ये टोन क्यों थॉट प्रोवोकिंग हो गई? क्योंकि हमें यह सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे संबंध इतने अच्छे थे तो आखिर वो गलती कहां हो रही है जिस गलती की वजह से नेपाल हमें आज धमकी देने की अवस्था में आ गया है। अब इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह कि नेपाल वास्तव में हमसे बहुत रुष्ट हो, उसे हमारी कुछ चीजों से बहुत कष्ट पहुंचा हो, अर्थात हमने कुछ गलत किया हो, इस वजह से नेपाल इस लेवल तक उतरने की कोशिश कर रहा हो कि वो अपनी सेना, वो नेपाल जो किसी भी हालत में किसी से भी कभी दुश्मनी नहीं करना चाहता है, वो नेपाल ये धमकी दे रहा है कि और हम सेना भेजेंगे बॉर्डर पे। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? शायद वो हमारे किसी व्यवहार से रुष्ट हो। या एक दूसरी वजह भी कभी कभी हो सकती है बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ करना नहीं चाहते अपने पड़ोसी के साथ, लेकिन कोई दूसरा पड़ोसी, दबंग पड़ोसी आता है और उसे दूसरे पड़ोसी की खुशी जाहिर नहीं होती है तो वह आपको कहीं कहीं इंसाइट करने की कोशिश करता है बच्चों, यानी ये करने की कोशिश करता है, वो इंसाइट करने की कोशिश करता है या गोड करने की, GOAD, गोड करने की कोशिश करता है, या फिर आपको वो एक्साइट करने की कोशिश करता है, या फिर आपको वो कहीं फोमेंट करने की कोशिश करता है, भड़काने का कार्य करता, भड़काने की कोशिश करता है। मीन्स वो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, भड़काता है, और तब आप न चाहते हुए भी अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उसके पहले आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोचें कि ये नेपाल न लड़ना चाह रहा हो बल्कि नेपाल को लड़ने के लिए उकसाया जा रहा हो, इंसाइट किया जा रहा हो, उसे कहीं ना कहीं एक्साइट करने की कोशिश की जा रही हो, उसे भड़काने की कोशिश की जा रही हो कि एक छोटा सा मुद्दा, जो काला पानी का मुद्दा है, जो एक मार्ग का मुद्दा है, उस मार्ग को लेकर के अगर नेपाल जैसा छोटा सा देश भारत जैसे इतने विशाल देश के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो नेपाल अपने दम पे खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, वो नेपाल कहीं कहीं किसी के भड़कावे में आकर, उसके बहकावे में आकर ऐसा करने की कोशिश कर रहा होगा। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बार ऐसी कोशिशें हुई, कुछ कमियां भारत की तरफ से भी रह गई कि जब उसको नेपाल की कुछ समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी तो भारत ने उस समय शायद उन समस्याओं से अपने आप को बैक कर लिया। अभी जब वहां के प्रधानमंत्री ने, ओली जी ने कहा कि हमें इस समस्या से हमें निजात पानी है, हम इस पर बात करना चाहते हैं, तो यहां की सरकार के द्वारा कहा गया कि अभी हम पैंडेमिक से निपट रहे, इसलिए हम जब पैंडेमिक से निपट लेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। ये चीज कहीं कहीं नेपाल को क्या लगी होगी, बुरी लगी होगी कि जो मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट है भारत उसे क्या करना चाहता है, इग्नोर करना चाहता है, निग्लेक्ट करना चाहता है या ओवरलुक करना चाहता है, मीन्स नजरअंदाज करना चाहता है, तो जिसकी वजह से उसे कहीं कहीं बुरा लगा होगा। और जब कोई पड़ोसी आपका नाराज होता है ना तो आपका जो दुश्मन है वह उस स्थिति का क्या उठाना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है। तो शायद ये परिस्थितियां ऐसी कुछ होंगी जिनमें हमको, आपको यानी भारत को सोचने की जरूरत है कि आखिर ये नौबत यहां तक क्यों आई, जहां पे भारत को भी अपना क्रोध, प्रोटेस्ट अपना प्रदर्शित करना पड़ रहा है कि आप ऐसा, यानी नेपाल ऐसा न करे, क्योंकि जो मार्ग हम नियमित रूप से कैलाश मानसरोवर के लिए अपनाते रहे हैं उस पर कैसा विवाद अचानक खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ये विवाद आ रहा है तो कहीं ना कहीं इससे इसको हमें सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। करें इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल, इसे हम क्या कहते हैं, जब एंड से दो नाउंस जुड़े हों, प्रॉपर नाउंस या कॉमन नाउंस, तो क्या होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहलाते हैं।
और नॉर्मली उनका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे हैव प्लूरल है। तो इंडिया एंड नेपाल हैव रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट याद हो गया आपको, यानी एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा स्थान जहां पर कहीं ना कहीं हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी होने की संभावना है। क्या होने की संभावना है? हॉस्टिलिटी, ये दुश्मनी होने की संभावना है, यानी कोई ना कोई ऐसा स्थान जो विवाद की तरफ बढ़ रहा हो, दुश्मनी की तरफ बढ़ रहा हो। तो इंडिया एंड नेपाल हैव रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट, यानी भारत और नेपाल हैव रीच्ड अ फ्लैश, हैव के बाद देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म है, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी भारत और नेपाल एक फ्लैश पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यानी एक शत्रुता की कगार पर, उसके बिंदु पर पहुंच चुके हैं। ओवर, ओवर मीन्स होता है को लेकर, यानी के संबंध में, किस चीज को लेकर के। ओवर, ओवर क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। देखिए नाउन यहां पे ना, ओवर द काला पानी, जैसे आपने द देखा तुरंत समझ जाए काला पानी क्या यहां पे नाउन है। ओवर द काला पानी, काला पानी टेरिटोरियल इशू, ध्यान रखिएगा एक प्रॉपर नाउन के पहले आप नॉर्मली द नहीं लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि द नहीं लग सकता यहां, क्यों? क्योंकि ये द किसके लिए लगा है? इशू के लिए लगा है, यानी काला पानी टेरिटोरियल इशू, ये पूरा आपका नाउन हो गया ना, इस नाउन के लिए यानी इशू के लिए द का प्रयोग किया गया। यानी भारत और नेपाल जो है एक फ्लैश पॉइंट पर, एक दुश्मनी के कगार पर पहुंच चुके हैं। ओवर द काला पानी टेरिटोरियल इशू, काला पानी टेरिटोरियल, टेरिटोरियल मीन्स क्षेत्रीय और इशू मीन्स मुद्दा। यहां पर भारत और नेपाल जो है वह काला पानी के क्षेत्रीय मुद्दे पर, यानी काला पानी के क्षेत्रीय मुद्दे पर एक दुश्मनी के कगार पे आ चुके हैं। दैट, ये दैट किसके लिए बच्चों? इशू के लिए। इशू क्या है? सिंगुलर। दैट यहां क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, तो अपियर्स देखिए यहां सिंगुलर। अगर आपके मन में कभी आए सर हम लोग कैसे जानेंगे कि दैट कंजंक्शन है या फिर प्रोनाउन है, यहां पर देखें अगर ये कंजंक्शन रहता तो इसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाता। क्या आ जाता? सब्जेक्ट, जो यहां नहीं है। जैसे ही दैट के बाद आप वर्ब देखें तुरंत समझ जाएं कि वो दैट वहां किस चीज का काम कर रहा है? प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है वहां, ठीक है। और अगर तुरंत सब्जेक्ट है अरे वर्ब है तो ये भी समझ जाएं दैट वहां सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है। तो भारत और नेपाल एक ऐसे फ्लैश पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, दुश्मनी कगार पर पहुंच चुके हैं। ओवर द काला पानी टेरिटोरियल इशू, किसको लेकर के? काला पानी के क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के। दैट अपियर्स टू थ्रेटन, यानी जो मुद्दा अपियर्स ऐसा प्रतीत होता है टू थ्रेटन कि एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है, एक खतरा बन रहा है। द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप, किस चीज के लिए खतरा बन रहा है? द बेसिस, उस आधार के लिए ऑफ देयर, देयर किसके लिए है? इंडिया एंड नेपाल है ना, ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप, भारत और नेपाल के बीच में बहुत विशेष संबंध रहा है। और अगर बहुत विशेष संबंध रहा है तो आज वो संबंध जो है टू थ्रेटन किस चीज में पड़ रहा है? खतरे में पड़ रहा है। उस संबंध का आधार ही खतरे में पड़ रहा है, किसके कारण? इस काला पानी टेरिटोरियल इशू को लेकर के, जिनके कारण ये दोनों देश जो है हैव रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट, किस पर पहुंच चुके हैं? दुश्मनी की कगार पर, दुश्मनी के बिंदु तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। विच, ये विच किसके लिए है? ये स्पेशल रिलेशनशिप के लिए है, यानी विशेष संबंध के लिए है। विच हैज नर्चर्ड, नर्चर क्या होता है? नर्चर मीन्स होता है पालन पोषण करना। क्या होता है बच्चों? पालन पोषण करना, यहां पालन पोषण करने मतलब ये नहीं है बच्चों कोई मां किसी बच्चे का पालन पोषण करती है, यहां पालन पोषण करने मतलब है एक माहौल विकसित करना, एक परिवेश देना, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। यानी यह एक ऐसा स्पेशल रिलेशनशिप था या है कहिए, यानी एक ऐसा विशेष संबंध है विच हैज नर्चर्ड ओपन बॉर्डर्स, यानी जिसने एक ऐसा माहौल दिया है ओपन बॉर्डर्स कि दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे के लिए क्या रहती हैं? खुली रहती हैं। एंड और द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, और लोग जो यहां के हैं दोनों देशों के, फ्री मूवमेंट बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे देश में क्या कर सकते हैं? वो आ जा सकते हैं। इस चीज के लिए, इस विशेष रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं काला पानी का जो टेरिटोरियल इशू है अपीयर्स टू थ्रेटन, ये क्या बन रहा है? एक खतरा बन रहा है, एक चुनौती बन रहा है। जैसे अब यहां ओपन बॉर्डर्स लिखा है, आप तुरंत समझ जाएं
बार्डर्स नाउन है तो ओपन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ द फ्री मूवमेंट लिखा है, मूवमेंट नाउन है तो फ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ पीपल है तो जैसे ही ऑफ आपने देखा तुरंत समझ जाए ये क्या है, पीपल नाउन हो जाएगा। करें नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। अब यहाँ नेपाल प्राइम मिनिस्टर बच्चों है, यहाँ पे या तो नेपाली प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था या नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर, बट इसे कंपाउंड नाउन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कंपाउंड नाउन। जैसे हम कहें पुलिस स्टेशन, नॉट पुलिस स्टेशन है ना, बर्थडे नॉट बर्थडे, तो उसी तरह यहाँ पे नेपाल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड है स्ट्रक्चर, इससे बेहतर होता नेपाली प्राइम मिनिस्टर या नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ठीक है, चूंकि ये प्रॉपर नाउन था केपी शर्मा, इसीलिए देखिए प्राइम मिनिस्टर के पहले क्या नहीं लगा है, द नहीं लगा है, वैसे भी नेपाल लगा है तो जरूरत भी नहीं थी। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टुक न्यू दिल्ली बाय सरप्राइज। ये न्यू दिल्ली यहां क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो टेक बाय सरप्राइज क्या हो जाएगा, अचंभे में डाल देना, आश्चर्यचकित कर देना, सदमे में पहुंचा देना। यानी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं टुक न्यू दिल्ली बाय सर, न्यू दिल्ली मतलब समझ रहे हैं यहां पे भारत, यानी भारत की सरकार, यानी उन्होंने भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को टुक बाय सरप्राइज, अचंभे में डाल दिया। दिस मंथ कब, इस महीने, जब भी किसी मंथ डे वगैरह के पहले दिस दैट दीज दोज लास्ट नेक्स्ट लगा हो तो नॉर्मली उसके पहले इन एट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, यहां देखिए नहीं लगा है, ये नहीं कहते हैं सरप्राइज इन दिस मंथ, ऐसा नहीं होगा। तो इस महीने भारत को उन्होंने बिल्कुल भारतीय भारत सरकार को उन्होंने अचंभे में डाल दिया विद एन अग्रेसिव पोस्चर। अग्रेसिव क्या है, जैसे ही आपने आईवीई देखा तुरंत कहते हैं ये एक एडजेक्टिव है, तो पोस्चर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वैसे भी यू आर ई अगर किसी शब्द के अंत में या टी यू आर ई आता है तो नॉर्मली वो एक नाउन होता है। तो नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टुक न्यू दिल्ली बाय सरप्राइज, उन्होंने भारत सरकार को आश्चर्य में डाल दिया दिस मंथ, इस महीने, विद एन अग्रेसिव पोस्चर। अग्रेसिव आक्रामक, जब आप झगड़ा करने के मूड में हो तो आप कॉम्बैटिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। और पोस्चर मैंने बताया था कल आपको, तेवर आपकी मुद्रा, चेहरे का जो जेस्चर होता है ना बच्चों, ये देखें यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जेस्चर, यही आपका क्या होता है, पोस्चर होता है, मीन्स चेहरे का हाव भाव, उसकी मुद्रा, उसका जो वट तेवर है वो आपका पोस्चर होता है। तो अग्रेसिव पोस्चर मतलब आक्रामक रवैया, आक्रामक तेवर, यानी अपने आक्रामक तेवर के साथ उन्होंने भारत की सरकार को टुक बाय सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर दिया ऑन द इशू, इस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर, द काला पानी टेरिटोरियल इशू, इस मुद्दे पर, स्पेशली विशेष रूप से ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ अ मोटरेबल रोड टू द लिपुलेख पास, विशेष रूप से किस मुद्दे पर, ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ अ मोटरेबल रोड, यानी जब एक शुभारंभ किया जा रहा था, इनॉग्रेशन किया जा रहा था ऑफ अ मोटरेबल रोड, एक ऐसी रोड का, मोटरेबल अर्थात जिस पर गाड़ियां वगैरह भी क्या हो सके, आ जा सके, ऐसी रोड का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो इस मुद्दे पर उन्होंने अग्रेसिव पोस्चर दिखाया, मीन्स क्या दिखाया, आक्रामक रुख दिखाया। और टू द लिपुलेख पास मीन्स जो रोड का इनॉग्रेशन हो रहा था वो लिपुलेख पास यानी लिपुलेख मार्ग पर हो रहा था, जिसका वो क्या कर रहे थे, उद्घाटन, भारतीय सरकार जिसका क्या कर रही थी, उद्घाटन कर रही थी, उसका वो क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, एक तरह से रुक रहे थे वो, ठीक। चलिए ये लाइन बच्चों हम फिर से देखते हैं, ठीक है, यहां से देखें आप लाइन, एक मिनट बच्चों, यहां से आप देख लें, करें नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टुक न्यू दिल्ली बाय सरप्राइज, समझ गए होंगे, उन्होंने नई दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को आश्रम में डाल दिया दिस मंथ, इस महीने, विद एन अग्रेसिव पोस्चर, किसके साथ, एक आक्रामक तेवर के साथ, आक्रामक रवैये के साथ, ऑन द इशू, इस काला पानी टेरिटोरियल इशू पर, स्पेशली ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ अ मोटरेबल रोड, किस चीज के, विशेष रूप, जब स्पेशली में ई जुड़ जाए तो विशेष रूप से, और तब होता है
जब आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, यानी विशेष रूप से ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ अ मोटरेबल, यानी उस रोड को लेकर के, उस रोड के इनॉग्रेशन को लेकर के जो रोड किस लिए बनाई जा रही थी, मोटरेबल, ताकि उस पर गाड़ियां आ जा सकें, टू द लिपुलेख पास, कहां तक आ जा सके, टू द लिपुलेख पास, यानी लिपुलेख मार्ग तक, नियर द डिस्प्यूटेड कालापानी एरिया, जो किसके पास है, नियर द डिस्प्यूटेड, यहां एडजेक्टिव रूप में हो गया ना, नियर द डिस्प्यूटेड कालापानी एरिया, यानी जो कालापानी का डिस्प्यूटेड क्षेत्र, विवादित क्षेत्र है, उस वहां उसके पास लिपुलेख मार्ग तक जो रोड जा रहा था, उस रोड का जब भारत सरकार इनॉग्रेशन कर रही थी, तो इस पर उन्होंने केपी शर्मा ओली जी ने क्या किया, बहुत अग्रेसिव पोस्चर दिखाया, मीन्स बहुत आक्रामक तेवर दिखाया, विच किसके लिए है, ये कालापानी एरिया के लिए, विच इज यूज्ड, जो क्षेत्र प्रयोग किया जाता, उपयोग में लाया जाता है, ये पैसिव वॉयस इज यूज्ड, उपयोग में लाया जाता है बाय इंडियन पिलग्रिम्स, किनके द्वारा, भारतीय पिलग्रिम्स के द्वारा, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री, ये है ना, पिलग्रिम तीर्थयात्री, इसी में अगर आप क्या जोड़ देंगे, जी ए जी ई जोड़ देंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा हो जाएगी, या तीर्थ स्थल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, क्रेम विच इज यूज्ड बाय इंडियन पिलग्रिम्स, यानी जो कालापानी एरिया जो है डिस्प्यूटेड इज यूज्ड बाय इंडियन पिलग्रिम्स, भारतीय तीर्थयात्रियों के द्वारा उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है टू कैलाश मानसरोवर, कहां जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए, द लिपुलेख पास, यानी जो लिपुलेख मार्ग है, रास्ता है, हैज ऑलवेज बीन, देखिए जैसे हैज बीन आया तो ऑलवेज दोनों के बीच में डाल दिया गया, आप ऐसे नहीं लिखेगा ही हैज बीन ऑलवेज, ऐसे नहीं, ही हैज ऑलवेज बीन, तो जो भारत के लिए क्या है, ये जो लिपुलेख मार्ग है, हैज ऑलवेज बीन पार्ट, यह हमेशा एक हिस्सा रहा है ऑफ द रोड, उस मार्ग का, टू तिब्बत, जो कहां जाती है, तिब्बत ले जाती है, जो मार्ग तिब्बत की तरफ जाता है, उसके लिए, तिब्बत जाने के लिए यह लिपुलेख रास्ता जो मार्ग है, यह हमेशा उसी मार्ग का क्या रहा है, एक पार्ट रहा, हिस्सा रहा है, किसके लिए, भारत के लिए, एंड और वाज मेंशन, पैसिव वॉयस, वाज मेंशन, वाज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, एंड वाज मेंशन, और इसका उल्लेख किया गया था एज, मेंशन के साथ देखें, एज, जिस रूप में उल्लेख किया गया था उसके लिए एज का प्रयोग करें, जैसे कभी भी अगर ये वर्ड्स हो आपके, पोल्ट्री हो, मेंशन हो, टर्म हो, व्यू हो, रिगार्ड हो, ट्रीट है, ट्रीट है बच्चों, डी मैंने लिख दिया, ट्रीट है, ये ऐसी वर्ब्स हैं, इसके अलावा अगर आप ये वर्ड देख रहे हो, डिस्क्राइब हो, डिफाइन हो, ये ऐसी वर्ब्स हैं कि आप जिनके लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं, यानी जिस रूप में इनका प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए किस चीज का प्रयोग करें, एस का प्रयोग करें, ठीक है, यहां देखिए मेंशन के साथ एज है, एंड वाज मेंशनड, और इस लिपुलेख पास को मेंशन किया गया था, इसका उल्लेख किया गया था एज वन ऑफ द बॉर्डर पासेस, यानी जो बॉर्डर पासेस हैं, यानी जो सीमा के रास्ते हैं, उनमें से एक के रूप में वाज मेंशन, इसका उल्लेख किया गया था, फॉर ट्रेड, जो बॉर्डर पासेस किसके लिए यूज किए जाते हैं, ट्रेड, व्यापार के लिए, इन अ 1954 एग्रीमेंट, किस चीज में इसका उल्लेख किया गया था, 1954 के एग्रीमेंट में, समझौते में इसका उल्लेख किया गया था विद चाइना, जो किसके साथ हुआ था, चीन के साथ हुआ था, विच वाज आल्सो रिफर्म्ड, ये विच किसके लिए लगाया गया यहां पे, लिपुलेख पास से संबंधित इस समझौते के लिए, ठीक है, विच वाज आल्सो रीअफर्म, फिर से स्पष्ट करना, फिर से स्वीकार करना, यानी जिसे दोबारा स्वीकार किया गया था इन एनदर ट्रेड एग्रीमेंट, एक दूसरे व्यापार समझौते में इन 2015, जो कब हुआ था, 2015 में हुआ था, देखिए
2015 ये है ना ईयर है ना, तो इसके पहले देखिए क्या लगा, इन लगे। किसी भी महीने से पहले, ईयर से पहले, सेंचुरी से पहले, एरा से पहले क्या लगाते हैं हम, इन का प्रयोग करते हैं। सिंस 1981, हम मन में अगर आ जाए कि सर यहां क्यों नहीं सिंस लगा रहे हैं, क्योंकि ये मे वाला भाव नहीं है, से वाला भाव है। सिंस 1981 1981 से वेन, जब चाइना रीओपेंड द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रूट फॉर इंडियन, समझ रहे होंगे, जब चीन ने रीओपेंड दोबारा खोल दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज क्या खोल दिया, कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज तीर्थयात्रा रूट, तीर्थयात्रा का मार्ग जो था उसने दोबारा खोल दिया फॉर इंडियंस भारतीयों के लिए, तो दे हैव आल्सो यू, दे किसके लिए है यहाँ पे, यात्रियों इंडियंस के लिए है, दे हैव आल्सो यूज्ड द पास, पास मतलब ये लिपुलेख पास बच्चों, ठीक है, तो भारतीयों ने किया हैव आल्सो यूज्ड द पास, उन्होंने उस मार्ग का भी उपयोग किया है टू वॉक इन टू तिब्बत, मीन्स कहां तक पहुंचने के लिए, वॉक इन टू जाने के लिए, कहां तक जाने के लिए, तिब्बत जाने के लिए, यानी तिब्बत जाने के लिए भारत ने इस लिपुलेख मार्ग का उपयोग किया है। और चीन ने जब कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रूट को रीओपन किया, दोबारा खोला भारतीयों के लिए, तो भारतीय जो थे वो इसी मार्ग से होते हुए तिब्बत तक क्या करते थे, वॉक इन टू प्रवेश करते थे, जाते थे। द रोड यानी वो जो रोड है बिल्ट, ये यहां बिल्ट वो एक्शन वर्क रूप में नहीं, ये यहां किस रूप में है मतलब समझे, यानी यहां एडजेक्टिव रूप में यूज किया गया, कैसे पता, क्योंकि रोड बिल्ट नहीं करेगी, रोड को बिल्ट किया जाएगा, यानी द रोड विच वॉज बिल्ट, ऐसे पढ़े, द रोड विच वॉज बिल्ट नाउ, यानी वो रास्ता जो अभी बनाया गया है, यानी वो मार्ग जो अभी बनाया गया है, फॉलोज द सेम अलाइनमेंट, वह उसी सिधाई यानी उसी मार्ग को फॉलो करता है, अनुसरण करता है, एंड वुड इसेंशियली, देखिए पास्ट था ना बिल्ट आपका, इसलिए यहां पे पास्ट हो गया, एंड वुड इसेंशियली कट डाउन, और वो निश्चित तौर पे यानी आवश्यक तौर पे कट डाउन, कट डाउन कम कर देगा, क्या कम कर देगा, देयर ट्रेवल उनकी यात्रा, किनकी यात्रा, दे यानी भारतीयों की यात्रा, उनकी यात्रा को कम कर देगा बाई 3 days, वो भी कितने दिनों की यात्रा, 3 दिनों की यात्रा को, ईच वे वो भी एक तरफ के रास्ते, यानी ये जो मार्ग है द रोड बिल्ट नाउ, यानी अभी जो रास्ता बनाया गया है फॉलोज द सेम अलाइनमेंट, वो भी उसी रास्ते से होकर जा रहा है, एंड वुड इसेंशियली कट डाउन देयर ट्रेवल टाइम, और उनका जो आने जाने में समय लगता है वो एक तरफ आने में या जाने में 3 दिन उनका क्या हो जाएगा, कट डाउन कम लगेगा, किसकी वजह से, उस मार्ग की वजह से, बिल्ट नाउ जिसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप, यानी जिसका परिणाम ये है, ऐसे बोले यानी परिणाम स्वरूप, द गवर्नमेंट हैज बीन इवन एंगर्ड बाई नेपाल्स स्ट्रांग प्रोटेस्ट, द गवर्नमेंट हैज बीन इवन एंगर्ड, यानी इवन एंगर, देखिए एंगर्ड के पहले इवन लगा है ना, यानी भारतीय सरकार गुस्सा भी हो गई, नाराज भी हो गई, किसके द्वारा, बाई नेपाल्स स्ट्रांग प्रोटेस्ट, नेपाल के तीव्र विरोधों के कारण, यानी नेपाल ने तीव्र विरोध किया, मतलब मजबूत विरोध किया, जिसकी वजह से भारतीय सरकार ने हैज बीन इवन एंगर्ड, भारतीय सरकार क्या रही है, बहुत क्रोधित रही है, फॉलोड, और जब नेपाल ने स्ट्रांग प्रोटेस्ट किए ना, तो फॉलोड बाई फायरी स्पीचेज, उन्होंने बहुत उत्तेजनापूर्ण भाषण भी दिए बाई मिस्टर ओली, जो किसके द्वारा दिए गए, मिस्टर ओली के द्वारा, मतलब केपी शर्मा ओली के द्वारा, एंड फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली के द्वारा। लाइनें फिर देख लें बच्चों, पर एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द गवर्नमेंट हैज बीन इवन एंगर्ड, भारतीय सरकार बहुत गुस्सा हो गई, बाय नेपाल्स स्ट्रांग प्रोटेस्ट, नेपाल के उस मजबूत यानी तेज विरोध के कारण, फॉलोड बाय फायरी स्पीचेस बाय मिस्टर ओली एंड फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली, और उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली और फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली ने फायरी स्पीचेस दी बच्चों,
क्या दिया उन्होंने, बहुत उत्तेजना से यानी बहुत गुस्से से भरा हुआ स्पीचेस दिए, भाषण दिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम अपनी सेना भेज देंगे। इस पर भारत सरकार हैज बीन इवन एंगर्ड, क्या रही है, बहुत क्रोधित रही है, थ्रेटनिंग। और ये मिस्टर ओली और फॉरेन मिनिस्टर वहां के प्रदीप ग्यावली थ्रेटनिंग क्या करते रहे हैं, ये भारत को धमकी देते रहे हैं टू सेंड मोर फोर्सेस, कि ये और अधिक सेना भेजेंगे टू द इंडिया नेपाल बॉर्डर, कहां, भारत नेपाल की सीमा पर। समझिए बच्चों, बिल्ली जो है वो शेर से कह रही है कि मैं तुम्हारा मुंह नो चलूंगी, ऐसा नेपाल भारत को धमकी दे रहा है कि मैं और सेना भेजू। लेकिन अगर बिल्ली कह रही है बच्चों, तो आप समझिए उसने किसी दूसरे शेर से क्या कर ली होगी, दोस्ती कर ली होगी। समझ रहे होंगे आप, द नेपाली कैबिनेट्स डिसीजन, समझ रहे होंगे, डिसीजन नाउन है तो कैबिनेट्स क्या है, यहां पॉजिटिव केस हो जाएगा, द नेपाली कैबिनेट डिसीजन, नेपाल की जो संसद है यानी उनकी कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल, उसका जो निर्णय, नेपाल की मंत्रिमंडल का जो निर्णय है, कौन सा निर्णय, ये वर्ब नहीं बच्चों, टू अडॉप्ट सीधे वर्ब नहीं हो सकते, टू अडॉप्ट नानी नहीं निकलेगा, यानी नेपाल के मंत्रिमंडल का निर्णय टू अडॉप्ट अपनाने का, क्या अपनाने का, अ न्यू पॉलिटिकल मैप, कि वह एक नया पॉलिटिकल मैप अपना लेंगे, दैट क्लेम्स, जो क्या करता है, जो ये दावा करता है, नॉट ओनली लिपुलेख, कि केवल लिपुलेख ही नहीं, और देखिए नॉट ओनली का बट के साथ क्या होगा, कॉम्बिनेशन, और यहां 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 कहीं भी इन्होंने आलसो नहीं लिया बच्चों, लेकिन ग्रामर के लिए आप ध्यान रखिएगा, बट के साथ आप आलसो को तरजीह दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसी इंग्लिश यूज की जाती है जो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा भटकाएगी भी, बट नॉट ओनली का जो कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली वो बट आल्सो या टू टी डबल ओ जुड़ा रहना चाहिए, ये होता है। तो जो नेपाल की कैबिनेट का डिसीजन है टू अडॉप्ट न्यू पॉलिटिकल मैप, कि वो एक नए पॉलिटिकल मैप अपना लेंगे, दैट क्लेम्स एग्जाम में आपको दिया जा सकता है, दैट क्लेम, तो आप जाने दैट किसके लिए है, मैप के लिए है, तो फिर क्लेम कैसे होगा, क्लेम्स होगा, जो मैप ये दावा करता है, नॉट ओनली लिपुलेख, कि केवल लिपुलेख ही नहीं बट अदर एरियाज, बल्कि दूसरे क्षेत्र भी, दैट आर इन इंडियन टेरिटरी, जो भारतीय इलाके, भारतीय क्षेत्र में है, भारतीय भूभाग में है, दैट हैव बीन क्लेम्ड बाई नेपाल, जिन पर नेपाल क्या करता रहा है, अपना दावा करता रहा है, ये दैट किसके लिए है बच्चों, ये दैट है आपका उन एरियाज के लिए जिसके लिए आपने दैट का प्रयोग किया, ठीक है, दैट हैव बीन क्लेम्ड बाई नेपाल, जिन पर नेपाल अपना दावा करता रहा है, इनवोकिंग, किस चीज का आवाहन करते हुए, द 1816 सुगौली ट्रीटी, यानी वो 1816 में हुई सुगौली संधि को हवाला देता है, उसका आवाहन करता है और कहता है केवल लिपुलेख ही नहीं अन्य क्षेत्र भी हमारे हैं, वो क्षेत्र जो कहां है, भारतीय भूभाग में है, और भारत नेपाल कहता है कि 1816 में जो सुगौली की ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार ये क्षेत्र हमारे हैं विद द ब्रिटिश, और ये संधि किसके साथ हुई थी, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश के साथ हुई थी। वाज डिस्क्राइब्ड, ये वाज कहां से आ रहा होगा बच्चों, सोचें आप, यानी वाज पता है कहां से आया, द नेपाली कैबिनेट्स डिसीजन से, यहां से देखिए, यानी नेपाली कैबिनेट का वो निर्णय जिसमें उसने कहा कि वो एक नया पॉलिटिकल मैप अपना लेंगे, जो अब यहां देख कहीं अभी नेपाली कैबिनेट डिसीजन की वर्ब नहीं आई है, ये जो दैट है इसके लिए क्लेम्स है, जो ये दावा करता है कि लिपुलेख जो है और अन्य क्षेत्र भी हैं जो भारतीय क्षेत्र में वो भी उसके हैं, दैट हैव बीन क्लेम्ड बाई नेपाल इनवोकिंग द 1816 सुगौली ट्रीटी विद ब्रिटिश, जो ब्रिटेन के साथ हुई सुगौली ट्रीटी जो 1816 हुई थी उसका हवाला देते हुए, आवाहन करते हुए नेपाल कहता है कि वो क्षेत्र भी हमारे हैं, नेपाली कैबिनेट का वो निर्णय वाज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड यानी उसका वर्णन किया गया बाई इंडियाज MEA, MEA समझते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय। और देखिए अब भी कुछ देर पहले मैंने कहा था बच्चों ना, डिस्क्राइब अगर आपको याद हो लिखा था मैंने, डिस्क्राइब डिफाइन वगैरह के साथ एज लेते हैं, देखिए डिस्क्राइब्ड का प्रयोग है यहां पे, और बढ़िया से देखें आप यहां एज का प्रयोग है, ऐसे ग्रामर तैयार कर सकते हैं आप।
थोड़ी समय की पाबंदी होती है बच्चों, नहीं थी चाहिए, मैं और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है बच्चे जो थोड़ा समय देने से घबराते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ रहा, अर्थात कमी करनी पड़ रही है। चलिए देखें, तो वाज यानी नेपाली कैबिनेट का वो निर्णय, वाज डिस्क्राइब्ड बाई इंडियाज एमईए, यानी भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा उसे वर्णन किया गया, किस रूप में, एज आर्टिफिशियल, कि कैबिनेट का जो निर्णय है ये क्या है, आर्टिफिशियल है, बनावटी है, यूनिलैटरल, कल ही आपने पढ़ा था ना, एक पक्षीय है एंड अनएक्सेप्टेबल, और भारत के एमईए ने कहा यह अनएक्सेप्टेबल, अर्थात हमें यह स्वीकार्य नहीं है क्या कि नेपाल का ये कहना कि लिपुलेख नहीं अन्य क्षेत्र भी जो भारतीय भूभाग में है वो भी किसके हैं, हमारे हैं। और ये हवाला किसका दे रहा है, 1816 में हुई सुगौली ट्रीटी का, जो किसके साथ हुए थे, ब्रिटिश सरकार के साथ हुए थे। टेंशंस यानी तनाव हैव आल्सो बीन फ्यूल्ड, आपको एक इडियम याद हुआ बच्चों, एड फ्यूल टू द फायर, याद है ना, आग में घी का काम करना, टू एग्रीवेट अ मैटर, किसी मामले को और बढ़ा देना, भड़का देना उसे, तो टेंशंस हैव आल्सो बीन फ्यूल्ड, वही है ना, यानी ये तनाव और भड़क गए हैं बाई मिस्टर ओलीज जाइव। जाइव क्या होता है बच्चों, जाइव मतलब क्या होता है पता है, जाइव मीन्स टॉन्ट, मीन्स व्यंग, सरकाज्म मीन्स किसी पर व्यंग। तो ये तनाव जो है, टेंशंस हैव आल्सो बीन फ्यूल्ड, ये तनाव इसलिए भी भड़क गए, बढ़ गए हैं बाई मिस्टर ओली जाइव, क्योंकि मिस्टर ओली के द्वारा एक व्यंग किया गया दैट की द इंडियन वायरस लुक्स मोर लेथल देन द वन फ्रॉम चाइना, यानी उन्होंने ये व्यंग किया कि जो इंडियन वायरस है, भारत का वायरस है, लुक्स मोर लेथल, वो ज्यादा भयानक, ज्यादा खतरनाक दिखता है, ज्यादा घातक दिखता है देन द वन, उस वायरस की अपेक्षा, फ्रॉम चाइना, जो वायरस कहां का है, चीन का है। पहले आप एक चीज समझ लो बच्चों, इंडियन वायरस लुक्स मोर लेथल, ये जो लेथल है ना, आप समझते होंगे लेथल मीन्स यहां क्या, लेथल मीन्स यहां पे फैटल या डेडली या डेथली, और एक वर्ड अभी आपने पढ़ा ही, लेथल, यानी फैटल हो, डेडली हो या डेथली हो या लेथल हो, या एक वर्ड अगर आपको याद हो, इंटरनशाइन, इन सब के मीन्स, फैटल मीन्स भी, डेडली मीन्स भी, डेथली मीन्स भी, लेथल मीन्स भी, और इंटरनशाइन, आई एन टी ई आर एन ई सी आई एन ई, इंटरनशाइन मीन्स भी घातक होता है। और एक चीज, दूसरी चीज, ये जो वन है ना, ये ग्रामर का यूज है जो मैं यहां शायद आपको समझा सकता हूं, लेकिन देखें ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो भारत का वायरस है लुक्स मोर लेथल, वो ज्यादा घातक है देन द वन, ये द वन किसके स्थान पे है, द वन है आपका, एक मिनट बस, द वन है द वायरस की जगह पे, यानी वाह कैसे होता ना, इंडियन वायरस लुक्स मोर लेथल देन द वायरस फ्रॉम चाइना, लेकिन वायरस दोबारा क्या हो रहा था, ये वायरस यहां रिपीट हो रहा था, तो जब दोबारा कोई नाउन रिपीट हो तो उसके स्थान पे क्या ले लें आप, वन ले लें, तब जब उसके पहले कोई एडजेक्टिव या डिटर्मिनर यूज किया गया है ना, द यहां पे, इसलिए यहां वन ले लिया गया। तो उन्होंने ये जाइव किया, व्यंग किया, जिससे तनाव बढ़ गया कि द इंडियन वायरस लुक्स मोर लीथल देन द वन फ्रॉम चाइना, कि जो भारत का वायरस है वो ज्यादा घातक प्रतीत होता है फ्रॉम चाइना, किसके वायरस की अपेक्षा, चीन के वायरस की अपेक्षा, मतलब समझिए, यानी अगर नेपाल चीन की तरफ जाता है और भारत की तरफ जाता है तो किसकी तरफ जाए, तो उनके कहने मतलब यह था कि हम चीन की तरफ से भी वायरस से ग्रस्त हैं, भारत की तरफ से वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन चीन का वायरस उतना खतरनाक नहीं जितना भारत का, मतलब समझिए उनका झुकाव किसकी तरफ बढ़ रहा है, चीन की तरफ बढ़ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस सीन, दिस सिनेरियो। एंड और किस लिए वो टेंशन बढ़ गए बच्चों, टेंशन से फ्यूल्ड, कैसे भड़क गए वो, और कैसे भड़के,
द इंडियन आर्मी चीफ्स कंटेंशन। और क्यों भड़के? क्योंकि जो इंडियन आर्मी चीफ यानी भारतीय आर्मी के चीफ हैं यानी मनोज नरवाने, उनके कंटेंशन विवादित तर्क, यानी उनके विवादित तर्क की वजह से भी बढ़ गए। दैट जब उन्होंने कहा कि नेपाल रेज्ड द डिस्प्यूट, कि नेपाल ने इस डिस्प्यूट को रेज किया है, उठाया है, एट द बीहेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। किसके बीहेस्ट पर, किसके आग्रह पर, किसके आदेश पर? ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहरी ताकत के बल पर उसने ऐसा किया है, नेमली चाइना। और आप समझ सकते हैं उन्होंने किसका जिक्र किया होगा, चीन का जिक्र किया, जो मैं आपसे कह रहा था। यानी उन्होंने कहा भारतीय आर्मी चीफ ने कि नेपाल ये सब कुछ किसके बिहेस्ट पे कर रहा है, किसके आदेश पर कर रहा है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स के आदेश पे कर रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है? चीन है। सेकेंड लास्ट पैसेज है, देख लें, ये लिख कर है बाउंड्री डिस्प्यूट्स, यानी जो सीमा विवाद हैं, आर डिस्प्यूट्स प्लूरल है तो आर लग गया, बाउंड्री तो डिस्प्यूट्स क्या हो जाएगा, नाउन, तो बाउंड्री क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बाउंड्री डिस्प्यूट जो सीमा विवाद हैं, आर कॉमन ग्राउंड, ये क्या है, एक आम चीज है, फॉर कंट्रीज, उन देशों के लिए, दैट, ये दैट किसके लिए है, कंट्रीज, तो देखिए दैट के साथ हैव आ गया, उन देशों के लिए, दैट हैव एन एंशियंट हिस्ट्री, जिनका एक प्राचीन इतिहास रहा है, एंड और शेयर्ड बॉर्डर्स, और जिन देशों के बीच में शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, यानी कहीं कहीं दोनों के बॉर्डर्स क्या हैं, मिलते जुलते हैं, एंड द काला पानी इशू, ये द काला पानी के लिए नहीं, इशू के लिए है, और ये जो काला पानी का मुद्दा है, इज वन सच डिस्प्यूट, यानी यह एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विवाद है, दैट इंडिया एंड नेपाल हैव रिजॉल्व्ड, जिसे भारत और नेपाल ने हैव रिजॉल्व्ड तय किया है, क्या तय किया है, टू सॉर्ट आउट, कि वो दोनों इसे क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट हल कर लेना, समाधान निकाल लेना, यानी यह एक ऐसा मुद्दा है काला पानी इशू, जिसे भारत और नेपाल ने हैव रिजॉल्व्ड तय किया है, टू सॉर्ट आउट, कि वो इसे क्या कर लेंगे, समाधान निकाल लेंगे। लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके बाद अनफॉर्चुनेट है, मतलब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट की द रिस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरी, रिस्पेक्टिव संबंधित, यानी जो संबंधित फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, विदेश सचिव हैं, टास्कड, जिन्हें लक्ष्य दिया गया था, यानी हु वर टास्कड, ये यहां सेंस है, जिन्हें लक्ष्य दिया गया था, कार्य दिया गया था, बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, एंड देन नेपाल लीडर सुशील कोइराला, देन मतलब समझते हैं, जब किसी नाउन के पहले देन लगे तुरंत समझ जाए तत्कालीन, देन मींस तत्कालीन, यानी उस समय जो तत्कालीन नेपाल के लीडर थे सुशील कोइराला, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, जो रिस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरीज थे, यानी संबंधित फॉरेन सेक्रेटरीज थे, जिन्हें कार्य दिया गया था, लक्ष्य दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और उस समय के नेपाल लीडर सुशील कोइराला के द्वारा, इन 2014, कब, 2014 में, किसने क्या लक्ष्य दिया गया था, टू डिस्कस, कि वो रिस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरीज टू डिस्कस, क्या करें, उन्हें क्या करना है, चर्चा करनी है, द मैटर, किस पर, इस मामले पर, इस मसले पर। ध्यान रखें बच्चों, कभी भी आप डिस्कस लें, डिफाइन लें और डिस्क्राइब लें, तो इनके साथ कभी भी क्या नहीं लीजिएगा, अबाउट का प्रयोग नहीं करिएगा, किसका प्रयोग नहीं करिएगा, डिस्कस के साथ, डिफाइन के साथ और डिस्क्राइब के साथ, अबाउट बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है, जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब या डिफाइन के साथ अबाउट आए, आप तुरंत समझे वो पोर्शन क्या है, आपका गलत है। तो भारत के प्रधानमंत्री और तत्कालीन नेपाली नेता सुशील कोइराला के द्वारा फॉरेन सेक्रेटरीज को एक टास्क दिया गया था, एक लक्ष्य दिया गया था, टू डिस्कस द मैटर, के इस मसले पर क्या करें, बात करें। वो कब दिया गया था, 2014 में। वो जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, हैव फेल्ड, क्या हो चुके हैं, वो असफल हो चुके हैं, टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल डेट, एक स्वीकार्य डेट प्राप्त करने में असफल हो चुके हैं, फॉर अ मीटिंग, किस लिए डेट, एक मीटिंग करने के लिए,
सिंस देन, तब से, कब से, 2014 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने और उस समय के तत्कालीन लीडर जो थे नेपाल के सुशील कोइराला ने उस समय के रिस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि आपका ये टास्क है, आपका ये कार्य है कि आप इस मसले पर क्या करें, डिस्कस करें, चर्चा करें। लेकिन वो फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं हैव फेल्ड टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल डेट, उन्हें कोई स्वीकार्य डेट ही नहीं मिल रही है कि वो मीटिंग कर सकें। तब से आज तक उन्हें कोई डेट नहीं मिली। कहीं कहीं ये क्या है बच्चों, केयरलेसनेस है, लापरवाही है। और ये लास्ट पैसेज आपका करें, इंडिया मस्ट कंसीड, कंसीड मींस एक्सेप्ट, कंसीड मतलब जैसे आप किसी चीज को पहले नानुकुर करते रहे हो, हिला हवाले करते रहे हो, फिर स्वीकार कर लें, आप कंसीड करते हैं। वैसे स्वीकार करना तो आप बहुत सारी वर्ड जानते हैं, एक्सेप्ट, एडमिट, कन्फेस, कॉन्सीड, एक्नॉलेज, सबके मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। और भी दृढ़तापूर्वक स्वीकार करते हैं तो असर्ट भी होता है, ठीक है। एक्सेप्ट जब आप कोई प्रपोजल वगैरह स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एडमिट या कॉन्फेस जब नॉर्मली अपनी गलती वगैरह स्वीकार करते हैं। कॉन्सीड जब किसी को कोई चीज देना या नानुकुर करने के बाद स्वीकार करते हैं। एक्नॉलेज जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्वीकार करते हैं। और एसर्ट जब कोई चीज दृढ़तापूर्वक स्वीकार करते हैं, तो इनका अलग अलग ऐसे यूज कर सकते हैं। देखें करें, इंडिया मस्ट कॉन्सीड, मस्ट कॉन्सीड समझ गए होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी भारत को निश्चित ही स्वीकार करना चाहिए दैट कि इट हैज ड्रैग्ड इट्स फेट, भारत के लिए इट लगाया गया, इंडिया के लिए इट हैज ड्रैग्ड इट्स फेट, कि इसने कहीं कहीं अनिच्छा प्रदर्शित की है, अपने कदम खींच लिए हैं, मींस आनाकानी की है ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। यानी भारत को निश्चित स्वीकार करना चाहिए कि यह इस मुद्दे पर कहीं कहीं इसने लापरवाही दिखाई है, मींस अपने कदम इसने पीछे खींचे हैं, मींस जिस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए था इसने उसमें लापरवाही दिखाई है। इवन टू वीक्स एगो, अभी दो सप्ताह पहले ही, वेन जब मैटर्स केम, देखिए एगो का प्रयोग है ना, एगो के साथ नॉर्मली वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, पास्ट एंडफिट, भाई जरूरी नहीं बच्चों एगो के साथ आप पास्ट एंडफिट लें, ग्रामर बहुत विस्तृत है, और भी बेहतर और भी टेंसेज आप यूज कर सकते हैं। इवन टू वीक्स एगो, दो सप्ताह पहले ही, व्हेन मैटर्स केम टू अ बॉयल, कम टू अ बॉयल, खतरनाक स्तर तक आ जाना, केम टू अ बॉयल, जब पानी कहीं उबलने लगता है, मतलब ऊपर आने लगता है, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा अपना, वही है कम टू अ बॉयल। तो when matters came to a boil, यानी जब ये मामला सतह पे आ गया, means खतरनाक स्तर पे आ गया, in काठमांडू, कहाँ, काठमांडू में, यानी दो सप्ताह पहले जब ये मामला काठमांडू में बिल्कुल खतरनाक लेवल पे आ गया, तो the MEA's response, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिस्पांस था, उनका जो, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, दैट की इट वुड कन्वीन, कन्वीन क्या होता है बच्चों, आयोजित करना, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना, बुलाना, यानी उस समय जब काठमांडू में मसला बहुत खतरनाक स्तर पे आ गया था, तो उसमें भारतीय विदेश मंत्रालय का जो रिस्पांस था, दैट की इट वुड कन्वीन द मीटिंग, कि यह मीटिंग को बुलाएगा, आयोजित करेगा, आफ्टर द पेंडेमिक हैड बीन डेल्ट विद, डील विद, जब इस पेंडेमिक से क्या कर लिया जाएगा, निपट लिया जाएगा। यानी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस मसले पर एक मीटिंग आयोजित करेंगे, बुलाएंगे मीटिंग, इन कब, आफ्टर द पैंडेमिक हैड बीन डेल्ट विद, देखिए आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट है ना, जब इस पैंडेमिक से क्या कर लिया जाएगा, निपट लिया जाएगा, तो फिर MEA का वो रिस्पांस बच्चों वाज अननेसेसरली डिसमिसिव ऑफ एन इशू, यह कहीं कहीं बिना वजह डिसमिसिव ऑफ एन इशू, एक ऐसे मुद्दे को आप डिसमिस कर रहे हैं, अर्थात एक ऐसे मुद्दे को आप इग्नोर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टू काठमांडू, जो मुद्दा विच इज इंपॉर्टेंट टू काठमांडू, जो मुद्दा काठमांडू के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ओलीज गवर्नमेंट हैड रेज्ड इट लास्ट नंबर एज वेल, जब बिल्कुल क्लास के अंत में एज वेल हो, तुरंत समझ जाए, एज वेल मीन्स भी होता है, टू के सेंस में, यानी मिस्टर ओलीज गवर्नमेंट, मिस्टर केपी शर्मा ओली जो सरकार है,
हैड रेज्ड इट, उसने इस मुद्दे को उठाया था लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर में एज वेल भी। यहां देखिए एक रूल टू ट्राई बच्चों ना, मिस्टर ओलिस गोरमैन हैड रेज्ड है ना, हैड रेज्ड, और यहां क्या है लास्ट नवंबर, तो जब लास्ट हो, प्रीवियस हो, यस्टरडे वगैरह हो, एगो हो, तो हमने क्या कहा पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए ना। लेकिन देखिए यहां मैंने कहा ना मॉडर्न चीजें इंग्लिश बहुत आगे बढ़ रही है। तो मिस्टर ओली गवर्नमेंट ने हैड रेज्ड इट लास्ट नवंबर एज वेल, उसने लास्ट नवंबर में भी इस मुद्दे को उठाया था। इट्स ऑफर टू सेंड अ पॉलिटिकल एनवाय, एनवाय क्या होता है पॉलिटिकल एनवाय, एक राजनीतिक दूत, राजनीतिक दूत मतलब समझते हैं बच्चों, ये लीगेट या रिप्रेजेंटेटिव के सेंस में, यहां पर जो सेंस है आपका रिप्रेजेंटेटिव मैंने लिखा हुआ है, या एम्बेसडर वगैरह आप जानते होंगे, राजदूत को कहते हैं आप, या एक वर्ड अगर आप तैयार करना चाहें एमिस्त्री रिप्रेजेंटेटिव, लीगेट, या ये वर्ड भी लीगेटर, इनके मीन्स दूत होता है, या अगर आप कहना चाहें ये भी कह सकते हो आप स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स एक विशेष राजदूत जो होते हैं, दूत होते हैं, उन्हें आप एनवाय कहते हैं। तो इट्स ऑफर, इट्स किसके लिए बच्चों, वहां नेपाल की सरकार के लिए, इट्स ऑफर उनका प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, टू सेंड अ पॉलिटिकल एनवाय, कि वह एक राजनीतिक दूत भेजेंगे टू न्यू दिल्ली, कहां नई दिल्ली यानी भारत सरकार के पास, वाज रिबफ्ड, वो ऑफर जो था वाज रिबफ्ड, भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया बिल्कुल रिबफ्ड, यानी उसको कहीं कहीं झिड़क दिया गया कि आप हमारे यहां दूध भेजेंगे, ऐसा कह करके उनका तिरस्कार कर दिया गया। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है दैट की द स्ट्रगल विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ये स्पष्ट है कि जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, विद इन याद है के अंदर, विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यानी जो वहां पर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उसके अंदर जो स्ट्रगल है, संघर्ष हैज स्पर्ड, हैज स्पर्ड, उस संघर्ष ने भी कहीं कहीं स्पर किया है, मीन्स प्रेरित किया है मिस्टर ओलीज मोर कॉम्बैटिव पोस्चर, यानी मिस्टर ओली जो आज इतना अधिक कॉम्बैटिव पोस्चर दिखा रहे हैं, इतना आक्रामक, इतना लड़ाकू, इतना झगड़ालू तेवर दिखा रहे हैं, इस चीज को कहीं कहीं प्रेरित किया है किसने, उस स्ट्रगल ने, किस स्ट्रगल ने, जो रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चल रहा है। ये थोड़ा सा है, देख लें, गिवन याद हो गया आपको, गिवन को ध्यान में रखकर, क्या ध्यान में रखकर, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइज विद नेपाल, समझ रहे होंगे बच्चों, नेपाल के साथ जो संबंध हैं उनके महत्व को, उनके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके, ऑफन रोमेंटिसाइज्ड एज वन ऑफ रोटी बेटी मीन्स फूड एंड मैरिज, अर्थात जो जिस संबंध को नेपाल के साथ, जिस संबंध को ऑफन रोमेंटिसाइज, अक्सर हम एक भावना में लेते हैं, कल्पना करते हैं, किस रूप में, एज वन ऑफ रोटी बेटी, मतलब यानी वहां हमारी आने जाने का, भोजन वगैरह का, शादी वगैरह होने का भी है संबंध है, तो इस संबंध को, इस संबंध के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया मस्ट नॉट डिले, भारत को देर नहीं करनी चाहिए डीलिंग विद, निपटने में द मैटर, इस मामले में, यानी इस मामले से निपटने में भारत को देर नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि भारत से हमारा जो इतना महत्वपूर्ण संबंध है कि फूड एंड मैरिज का, मीन्स हर तरीके का संबंध है, एंड और एट अ टाइम, और एक ऐसे समय में, व्हेन, जब, इट मीन्स इंडिया, इट ऑलरेडी हैज इट्स हैंड्स फुल विद द पैंडेमिक, जब ऑलरेडी इसके हाथ पैंडेमिक से भरे हुए हैं, मीन्स ऑलरेडी इसे इन समस्याओं का, महामारी का सामना करना पड़ रहा है, एंड अ फेस ऑफ, और एक विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आमना सामना हो रहा है विद चाइना, किसके साथ, चीन के साथ, इन लद्दाख एंड सिक्किम, जब लद्दाख में, सिक्किम में चीन के साथ आपको फेस ऑफ करना पड़ रहा है, आमना सामना आपका हो रहा है, और इस पैंडेमिक को, पैंडेमिक से आपके हाथ भरे हुए, मीन्स इनका सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में आपको मस्ट नॉट डिले, देर नहीं करनी चाहिए डीलिंग विद द मैटर, इस मामले से निपटने में एक ऐसे देश के साथ
जिस देश के साथ आपके जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, उनका बहुत क्या है, इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व है, क्योंकि हम रोटी बेटी का संबंध हमारे और नेपाल के बीच में है। ये वर्ड्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं, सारे वर्ड्स रिविजन हो जाएंगे। तो पॉलिटिकल इन्वाय याद हो गया, एक राजनीतिक एमिस्ट्री यानी एक रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। टाइज मीन्स रिलेशन, संबंध। फुल ब्लोन, फुल स्केल पे जो आ चुके हों, विकराल, बड़े, पूर्ण विकसित। इस पर प्रेरित करना, प्रेरणा करना, इंस्पायर करना, इंसाइट करना। क्राइसिस, कोई ट्रबल, संकट। फ्लैश पॉइंट यानी एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हॉस्टिलिटी अपने चरम पे पहुंच जाए, तो वह फ्लैश पॉइंट होता है। टेरिटोरियल मीन जोनल, क्षेत्रीय। थ्रेटन, थ्रेट में ईएन लगा करके वर्ब बना दिया गया, मीन्स चुनौती देना, खतरा बताना। नर्चर, पालन पोषण करना, माहौल बनाना। टेक बाय सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर देना, अचंभे में डाल देना। अग्रेसिव मीन्स कॉम्बैटिव, आक्रामक, लड़ाकू, झगड़ालू, क्वेरलसम। कैंटन कैरेश अगर आपको याद हो। इनेगुरेशन, किसी चीज का शुभारंभ हो, उसकी बिगिनिंग। मोटरेबल यानी एक ऐसा रास्ता जिसमें मोटर वगैरह चल सकते हो, गाड़ियां चल सकती हो। डिस्प्यूटेड, विवादित, कंट्रोवर्शियल। पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री। रीअफर्म्ड, दोबारा स्वीकार करना। पिलग्रिमेज, तीर्थयात्रा। वॉक इनटू, जाना, पहुंचना। अलाइनमेंट, सीधाई या सीधा मार्ग, मार्ग रेखा। इसेंशियली, आवश्यक रूप से। कट डाउन, आवश्यकताओं में कमी ले आना। प्रोटेस्ट, विरोध। फायरी स्पीचेस, उत्तेजनापूर्ण भाषण, जोश से भरे हुए भाषण, जो भड़काने का काम करें। इनवोक, आवाहन करना। यूनिलैटरल, याद हो गया होगा, एक पक्षीय। फ्यूल, यहां वर्ब के रूप में है, फ्यूल, हवा देना, भड़काना। जाइब, टॉन्ट करना, सरकाज्म करना, मीन्स व्यंग कसना। लीथल मीन्स फैटल, डेडली, डेथली। इंटरनशाइन मीन्स घातक। कंटेंशन, कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी। रेज, उठाना, लिफ्ट करना। बीहेस्ट, कोई आर्डर, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट। कॉम्बैटिव, अग्रेसिव, आक्रामक। रोमांटिसाइज, इमेजिन, जिस चीज की हम कल्पना करते हैं, सोचते हो, जिसके बारे में मानते हो, जिस चीज को। रिजॉल्व, हल करना, समाधान निकालना, तय कर लेना। दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट करना। सॉर्ट आउट, हल निकालना। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। रिस्पेक्टिव, संबंधित। कॉन्सीड, स्वीकार करना, किसी चीज को देना या मानना, स्वीकार करना। ड्रैग वंस फीट, कदम पीछे खींच लेना, मीन्स देर करना किसी चीज में, अनिच्छा प्रकट करना। कम इनटू अ बॉयल, इडियम है आपका, मीन्स खतरनाक स्तर तक आ जाना। कन्वीन मीन्स आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना। फेस ऑफ, आमना सामना करना। डिसमिसिव, किसी चीज को इग्नोर करने लायक। और रिबफ, झिड़की देना, किसी को तिरस्कार करना, अपमानित करके मना कर देना। और रिवर्स है, मैंने नर्चर का उपयोग करके आपको दिया है, पिलग्रिम का उपयोग करके दिया है, टेरिटरी का उपयोग करके दिया है, डिस्प्यूट को दिया है और कॉम्बैटिव को दिया है। अगर ये वर्ड्स आप हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा, ठीक है। आप सारे बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन, बच्चों है मेरे प्रति जो सपोर्ट है आपका, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, प्रेज़ वर्दी है। लेकिन बच्चों इसे और पढ़ाएं, दूसरे बच्चों को बताते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि चीज़ें लोगों तक पहुँचें, लोग जानें कि एक ऐसा एडिटोरियल पढ़ाया जाता है जो दूसरों से अलग है। ये सही बच्चों की, आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप जिंदगी में सोचेगा कभी कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, सारे लोग आपसे खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 100 में से 90, 80, 85 खुश कर लेते हैं, मीन्स आप सही रास्ते पर, राइट पथ पे आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, या एक तरह से कहिए एक अपील होगी आप सारे बच्चों से, कि इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे धीरे धीरे क्या करते जाएं, जुड़ते जाएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमेशा आप खुश रहें, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।